हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इंडक्शन प्रोग्राम के डे ओवर टू में जो है स्वागत करता हूं। ये है सेकंड पार्ट, नहीं बोलेंगे इसको, डे टू ही बोलेंगे क्योंकि सिक्स डे का ये पूरा डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूं इंडक्शन के ऊपर, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अभी डे वन का अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट डे देखे बिना अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, डे वन में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी और एक वर्क दिया हुआ था कि आप रिप्रेजेंटेटिव में असाइनमेंट देंगे जो भी चीजें आपने उसको पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। तो डे टू में सबसे पहले क्या है, आप बिल्कुल फील्ड में लेके नहीं जाना। डे वन जो होता है वो रूम ट्रेनिंग का होता है, डे टू से हम फील्ड में लेके जाते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। आपको क्या करना है, इमीडिएट आपको फील्ड में लेके नहीं जाना है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सुबह 9 बजे आप बुलाएंगे, 9 से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आधे घंटे के अंदर आप कोशिश ये करिए कि उसका टेस्ट लीजिए, जो आपने चीजें बताई हुई हैं क्या उसने उसको पढ़ा। विजुलेट के बारे में जो चीजें आपने बताया था, फोल्डर के बारे में जो बताया हुआ था, मैकेनिज्म एक्शन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, क्या वो पढ़ के आया हुआ है, 2 घंटे इसके ऊपर पूरा टाइम स्पेंड करिए उसको पूरा रिकैप करने में। ठीक है, रिकैप करने के बाद उसको एटलीस्ट 2 या 3 ब्रांड की वहीं पर 1 घंटा आप रिकैप में, और पुराना जो भी पिछले दिन का शेड्यूल था, जो भी हमने असाइनमेंट दिया हुआ था, उसको पूरा रिकैप करेंगे 1 घंटे के अंदर, और 1 घंटे के अंदर 3 ब्रांड की एटलीस्ट प्रैक्टिस कराएंगे। क्या प्रैक्टिस कराएंगे, डिटेलिंग प्रैक्टिस। डिटेलिंग प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, पहले आप उसे करके बताएंगे, पहले उससे मत कराइए, पहले आप उसको बताइए। देखिए, कोई भी न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा या हम एज ए मैनेजर ही, हमें कोई न्यू अगर विजुलेट मिलता है, हम 1 दिन के अंदर फ्रेंड उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। ठीक है, मैं विजुलेट ही एक ले लेता हूँ, चलिए विजुलेट लेके ही बताता हूँ आपको, ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास विजुलेट है जरा, मैं कंपनी का मैं उठा लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से शायद बता पाऊँगा। चलिए, मैंने विजुलेट ले लिया, वैसे मेरा ये आयुर्वेदिक कंपनी का विजुलेट है, फिर भी क्या करेंगे दूसरे दिन, जब आप विजुलेट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से प्रिपेयर कराएंगे, हम देखिए ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, बट इतना इजी टास्क नहीं। तो हम शुरू में क्या करेंगे, चलिए मैं एक ब्रांड ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये ब्रांड दिया हो फ्रेंड, इसमें कह रही है आयुर्वेदिक का है, तो इसमें साल्ट नहीं दिया हुआ है, फिर मैं आपसे इसमें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये ब्रांड है, एक्चुअली एक मेरे पास पॉइंटर नहीं है फिलहाल, इसमें नहीं लिया हूँ, पॉइंटर जरूर यूज करिए जो डिटेलिंग के टाइम पे। जैसे ये ब्रांड दिया, फर्स्ट होता है इंडिकेशन, तो इंडिकेशन उसको याद कराइए फर्स्ट डे, सेकंड ब्रांड नेम, तीसरा पंच लाइन, चौथा इसका साल्ट, ये 4 चीज़ आप उससे प्रिपेयर करिए फर्स्ट, क्योंकि जितने ये वर्क दिए हुए हैं या ब्रांड के बारे में और ज़्यादा इसका फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप इसके साथ में चक्कर में पड़ेंगे कि ये भी फर्स्ट डे ही 3 ब्रांड 1 घंटे के अंदर तैयार कर दे, ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। इंडक्शन में हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ करना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बेवकूफ़ नहीं, वो भी समझता है, आजकल बहुत सब सयाने हो गए हैं। ठीक है, तो आप उससे प्रैक्टिकल बात करिए, ये 4 चीज़, इंडिकेशन, ब्रांड नेम, पंच लाइन, उसका साल्ट, 4 चीज़, ये 4 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने तैयार कर लिया है तो ये डॉक्टर को इतना तो बोल पाएगा। ठीक है, तो पहला काम आपका यही है कि इन 4 ब्रांड का 1 घंटे आप डिटेलिंग प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड, 3 ब्रांड का, ठीक है, एटलीस्ट 3 ब्रांड का करेंगे, और उसको इतना ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि विजुलेट अपना बंद करके, क्लोज करके भी वो सुना पाए। ठीक है, इस तरह के आप प्रैक्टिस कोशिश करें कि आप वो विजुलेट क्लोज करके भी बता पाए, इंडिकेशन जरूर पता होना चाहिए उसको। चलिए, इतना आप करके उसको फील्ड में लेके जाएंगे। फील्ड में क्या आपका पहला काम क्या है आपको सिखाना, उसका RCPA। RCPA क्या होता है, जो पहला स्टेप है फील्ड का, क्योंकि विदाउट RCPA अगर आप डॉक्टर कॉल करते हैं तो वो आपको मालूम है कि वो कॉल बेकार होती है। ठीक है, क्योंकि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होती है, वो तीर कभी सही लगता नहीं है, रेयरली लग गया तो लग गया। तो सबसे पहले आप क्या सिखाएंगे उसको, जो चीज़ आपने डे वन में बताया हुआ था वो चीज़ अब इंप्लीमेंट करके, सेकंड डे आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप वो चीज़ पहले आप खुद करके दिखाएंगे। एज ए मैनेजर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, RCPA करके उसको दिखाइए, बताइए, और जो नोटबुक आपने उस टाइम पे दिया हुआ था, जहां पे आप नोट कराया था, वहीं पे उस पर्टिकुलर डॉक्टर का जितने भी कॉल करते हैं आप जाएंगे, प्लान करिए उसके साथ एटलीस्ट 10 कॉल आप करें, 12 ना हो पाए तो 10 कॉल करें, क्योंकि टाइम कम होता है, क्योंकि आपको चीजें सिखानी भी हैं तो टाइम लगेगा। लेकिन आपका जब ये इंडक्शन प्रोग्राम आप कर रहे होंगे, आपका कभी भी फोकस डॉक्टर नंबर और डॉक्टर कॉल नहीं होना चाहिए फ्रेंड, कि हमारा 12 नहीं हुआ या 12 ही होना चाहिए, नो, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी जब आप नेक्स्ट विजिट में आएंगे। इंडक्शन के टाइम पे आपकी सिर्फ प्रायोरिटी होगी कि आप अच्छे से कैसे वर्किंग को समझा पाते, क्योंकि अगर आपने फ्रेशर कैंडिडेट एक ले लिया है और उसको प्रॉपर वर्किंग नहीं सिखाया तो आपके जाने के बाद वो वर्क नहीं कर पाएगा और आपका जितना भी सिखाया हुआ मेहनत होगा सब बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका काम है उसको वर्किंग की टेक्निक सिखाना, केमिस्ट से कैसे बात करेंगे,
RCPA कैसे करेंगे, ब्रांड के बारे में कैसे पूछेंगे, कंपिटिटर नॉलेज कैसे लेंगे, कंपिटिटर के बारे में कौन कौन से नॉलेज लेंगे, तो कौन कौन से नॉलेज लिया जाता है RCPA का, थोड़ा सा ब्रीफ में देता हूँ। जब भी हम RCPA करने जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी केमिस्ट शॉप का ओनर होता है, जो भी बंदा वहाँ पे होता है, उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं, नाम जान के उसका नोट कर लेते हैं। अगली बार जब बुलाएंगे उसको नाम से बुलाएंगे तो आपका एक फेथ डेवलप होता है और आप इजी तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं केमिस्ट शॉप वाले से। ठीक है, केमिस्ट से आप इजी तरीके में ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। और जब किसी व्यक्ति के साथ हम अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमें मिल जाता है। तो नाम उसका पता करके नोट करिए। उसके बाद जो ब्रांड आप फोकस कर रहे हैं उस ब्रांड के लिए उससे RCPA करिए। RCPA में पूछेंगे कि भाई किस कंपनी का और ब्रांड लिखता है डॉक्टर, ठीक है, कौन कौन सा इस साल्ट में कौन कौन सा ब्रांड चलता है, या जो कंपटीटर नेम आपने बताया हुआ है उसको वहीं डायरी ओपन करा दीजिए, नोटबुक ओपन करा दीजिए, इस कंपटीटर नेम का कौन सा डॉक्टर ब्रांड लिखता है, कितना लिखता है, क्वांटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वन मंथ के अंदर कितने प्रिस्क्रिप्शन होते हैं आते हैं इस ब्रांड का, कितना बॉक्स निकल जाता है, क्वांटिफाई करके उस डॉक्टर के अलावा जिसके पास आप कॉल करने गए हैं, इसके अलावा उस ब्रांड का या उस कॉम्पिटिटिव ब्रांड का किस किस का प्रिस्क्रिप्शन आता है। RCPA में भी जरूर पूछिए किस किस ब्रांड का, किस किस डॉक्टर का और प्रिस्क्रिप्शन आता है। हो सकता है जिस डॉक्टर के पास आप कॉल करने के लिए गए हैं उसके अंदर इतना इनफ पोटेंशियल ना हो आपके ब्रांड के लिए, अगल बगल या थोड़ा दूरी पे जो है कोई और अच्छा डॉक्टर बैठा हुआ जिसके बारे में आपको पता ना हो। केमिस्ट वाले से अगर आप पूछेंगे इस तरीके से भैया और किस चीज़ की प्रिस्क्रिप्शन आता है और कौन कौन से डॉक्टर, या ये साल और कौन से डॉक्टर बढ़िया लिखता है, अच्छा आपके पास किसका आता है, तो आपको बताएगा कि वो फलाने डॉक्टर हैं या वहाँ भी डॉक्टर बैठते हैं, उन डॉक्टर सब का पर्चा आता है, बहुत अच्छा लिखते हैं, एक्सक्लूसिव सपोर्ट करते हैं, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन केमिस्ट आपसे देगा। केमिस्ट के साथ रिलेशन कैसे बिल्डअप करेंगे, अच्छे से बात करके तभी बात करेंगे जब केमिस्ट के पास टाइम होगा। पेशेंट देने में डॉक्टर केमिस्ट बिजी है, उसको बीच में इंटरप्ट करेंगे तो आपके ऊपर इरिटेट होगा और आपको उल्टी सीधी बातें बोल सकता है। तो फ्रेंड कभी भी जब केमिस्ट के पास टाइम ना हो तो उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वहाँ वेट करिए, आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, जैसे ही टाइम मिले वैसे आप बात करिए उससे। बात करने के बाद इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको नोट करिए, उसके बाद कॉल प्लान करिए। कॉल प्लान करने के लिए जैसे जब डॉक्टर चैम्बर में जाएंगे तो जो 7 स्टेप है कॉल प्लानिंग की, ठीक है, जैसे प्री कॉल एनालिसिस, ठीक है, डॉक्टर में प्रोबिंग जो होता है, डिमांड होती है, ये 7 स्टेप जो है, इसका अगर वीडियो आपने नहीं देखा हुआ तो इसका मैंने वीडियो देखा हुआ है 7 स्टेप फॉर द डॉक्टर कॉल, तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, सभी चीज़ पता चल जाएगी। एज ए ABM आपको पता होंगी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो ये 7 स्टेप अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को आप जरूर बताइए कि प्री कॉल क्या होता है, वहीं बताइए, वहीं करके दिखाइए, दो चीज़ें करनी है, वहीं आपको बताना है कि देखो ये RCPA पहला स्टेप है, दूसरा प्री कॉल एनालिसिस हम RCPA के बेस पे प्री कॉल एनालिसिस करते हैं, फिर अपना हम ब्रांड प्लान करते हैं, ब्रांड प्लान करने के बाद अपना हम सैंपल जो बैग में लिए रहेंगे उसको प्लान करेंगे, रिमाइंडर कार्ड हमें कोई लिटरेचर देना है वो प्लान कर लेंगे, जब वेटिंग एरिया में बैठे होंगे वेटिंग एरिया में एक बार हम नज़र घुमा लेंगे, देख लेंगे कि डॉक्टर का इंटरेस्ट क्या है, कैसी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, जो वेटिंग एरिया में आपको टाइम मिलेगा उस टाइम पीरियड में पूरी स्ट्रेटजी आप उस डॉक्टर के बारे में आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस करने के बाद आप डॉक्टर चैम्बर के अंदर जाते हैं, कॉल परफॉर्म करते हैं, कौन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मैनेजर, फर्स्ट कॉल आप ही करेंगे, या फर्स्ट कॉल क्या करें, शुरू के 2-3 कॉल आप ही करेंगे एज ए मैनेजर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ही कॉल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को विजुलेट नहीं पकड़ा देना है, आपको पहले डिटेल करके बताना है किस तरह हैंडल करता है। अभी तो आपने रूम में बताया हुआ था, लेकिन अभी क्या करना है, डॉक्टर के सामने करके दिखाना, क्योंकि रूम में और डॉक्टर के सामने बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि रूम में तुम्हारे पास पूरा टाइम होता है तो सारी चीज़ें हम करके बताते हैं, बट डॉक्टर के अंदर कितना बताना है वो डॉक्टर के टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर किस कैटेगरी का है उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को आप कॉल करेंगे, कॉल में प्रोबिंग भी यूज करेंगे, आप क्लोजिंग भी करेंगे, और जो भी जितने टेक्निक से 7 स्टेप जो है वो सारे चीज़ों को यूज करने की कोशिश करेंगे। यूज करने के बाद आप कॉल क्लोज करेंगे, बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो ये 7 स्टेप्स हैं उसके साथ डिस्कस करेंगे, देखो मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया बट ये छूट गया, क्यों, क्योंकि डॉक्टर बिजी था या डॉक्टर बड़ा है इसके सामने हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, या जो छोटे डॉक्टर होते हैं उनसे इस लेवल पे बात करते हैं, जो बड़ा डॉक्टर है या कोर स्पेशलिटी के डॉक्टर उससे इस लेवल पे हम बात करते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप पूरा एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट डे का जो आप कॉल प्लान करिए, कोशिश करिए जो आपके KOLs होंगे, जो आपके बड़े डॉक्टर होंगे कंपनी के, जो कॉर्पोरेट डॉक्टर होंगे, उनको जाके मिलवाइए, आप उनको डॉक्टर को बताइए कि हाँ नया मेडिकल
रिप्रेजेंटेटिव आ गया है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी मुलाकात कराई कि सर से आप रेगुलर मिलते रहना और ये सर ब्रांड लिखते हैं, आप इनका ध्यान रखना, रेगुलर रिमाइंडर आपको यहाँ पे लगाना है, अगले दिन से ही काम पे लगा दीजिए कि सुबह आपको रिमाइंडर लगाना है। ये डे थ्री में आपको मैं टास्क बताऊँगा अभी, तो आपको डेली सुबह जाके उनको रिमाइंडर लगाना है। रिमाइंडर कैसे लगाना है ये आप रूम इंडक्शन में बता सकते हैं या फिर उसी टाइम आप लगा के बना के बता दीजिए, देखो ये इंडक्शन रिमाइंडर का टाइप है, ऐसे रिमाइंडर बनाया जाता है, सुबह सुबह आपको ये रिमाइंडर प्लेस करना है। तो इस तरह से डिस्कस करते करते डे टू में आपको पूरा 8-10 कॉल जितने भी कॉल आप कर पाएंगे फ्रेंड उस चीज़ को कंप्लीट करिए अपने न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ। हमेशा याद रखिए आपका पूरा फोकस होना चाहिए डे टू के अंदर कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को आप दे सकते हैं, ठीक है। शुरू के 3 कॉल आप एज ए मैनेजर हो करके बताइए डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी में, कोशिश करिए कि सारे फिजिशियन मतलब शुरू के 3 कॉल अगर आपने एक आर्थोपेडिक पे किया है तो दूसरा एक गायनी कर लीजिए, एक तीसरा फिजिशियन पे, 3 अलग अलग स्पेशलिटी में, क्योंकि जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है वो स्पेशलिटी वाइज हम चूज करते हैं। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या होगा जो न्यू एमआर है उसको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम गायनी को कौन से ब्रांड बताएंगे और कैसे बताएंगे, फिजिशियन को कैसे बताएंगे, कौन से ब्रांड बताएंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, सेम पीडिया में जाएंगे या किसी और स्पेशलिटी में जाएंगे कौन से ब्रांड हम कवर करेंगे। तो आपका प्राइम फोकस यही होना चाहिए कि जो 6 डे का आपका प्रोग्राम होगा इंडक्शन जब आप करा रहे होंगे 6 डे के अंदर आप सारी स्पेशलिटी कवर करके सारी स्पेशलिटी को कौन से ब्रांड बताने हैं, कैसे बताने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आप 6 दिन के अंदर सारी स्पेशलिटी कवर कर लेंगे। ये डे 2 में ही आप प्लान बना लेंगे। शाम को फिर ये सब जितना चीज़ें मैंने आपको बताया ये सारी करते करते आपको शाम हो जाएगा, बीच में आप लंच करिएगा, लंच के टाइम पर जो चीज़ें आपने की उसको डिस्कस कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैजुअल टॉक भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से करिए जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, ठीक है। शाम के टाइम आपको जैसे ही आप पहुंचेंगे होटल के अंदर तो आपने क्या किया, जितनी चीजें आपने लर्निंग दिया है उससे पूछेंगे दोबारा कि आपने जो आप लर्निंग लिए हुए हो आज क्या क्या लर्न किया, आपने क्या क्या सीखा हुआ है, RCPA कैसे करते हैं, प्री कॉल प्लानिंग क्या होती है, बैग कैसे सेट किया जाता है, वेटिंग एरिया के अंदर रिमाइंडर कार्ड कैसे रखे जाते हैं, सैंपल कैसे रखा जाता है, सैंपल कैसे सेट किया जाता है, कितने यूनिट सैंपल हम डॉक्टर को देते हैं, डॉक्टर अगर कुछ क्वेश्चन रेज करता है तो उसको हम कैसे रिप्लाई करते हैं, ये सारे पॉइंट जो है ये सारे पॉइंट मैं यहाँ पे भी नोट कर दूंगा, ये सारे पॉइंट आप उससे डे 2 में फिर शाम को पूछेंगे और नेक्स्ट डे के लिए असाइनमेंट दे देंगे। कौन से नेक्स्ट डे के लिए, जो 3rd डे आएगा से मिलने के लिए। 3rd डे में क्या करना है, आपको असाइनमेंट देना है, जो 3 ब्रांड आज आपने उसको तैयार कराया था उसका आप बता देना कि आप फुल तैयारी करके आओगे। मींस अभी तक मैंने बताया था 4 पॉइंट आपको तैयार करना है सुबह सुबह, कौन से, इंडिकेशन, ब्रांड नेम, साल्ट और उसका पंच लाइन। अब क्या करेंगे, उस ब्रांड के बारे में जो छोटी छोटी लाइन दी हुई है नीचे विजुलेट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, यह आप होमवर्क में दे देंगे कि आप ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इसको प्रिपेयर घर से करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, 2-3 घंटे आप घर पर मेहनत करेंगे, ठीक है, इसको तैयार करके आएंगे, ये तीनों ब्रांड पूरा तैयार करके आएंगे और अगला 3 ब्रांड का और असाइनमेंट दे देंगे कि तीनों ब्रांड के बारे में ये 4 चीज़ें पढ़ के आएंगे। शुरू में जो आज 3 ब्रांड हमने प्रैक्टिस किया है इसका पूरा डिटेल और कल वाले जो 3 ब्रांड है उसका 4 चीज़ें फिर से आप प्रिपेयर करने के लिए होमवर्क दे देंगे, असाइनमेंट अब दे देंगे, इस तरह आपका डे 2 जो होता है वो फिनिश हो जाता है। चलिए फिर ये यहीं तक डे 2 का, अब डे 3 में फिर आपसे मिलता हूँ और बताता हूँ क्या क्या करना होता है। चलिए, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो फ्रेंड, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मैं मोटिवेट होता हूँ ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। आपको कोई डाउट रह गया इस वीडियो के अंदर डे 2 के प्रोग्राम में आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो एंड चैट कर सकते हैं, खुल के चैट कर सकते हैं, पूरी बात कर सकते हैं, जो भी डाउट आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे डिटेल में, कमेंट में भी मैं आपको भी रिप्लाई करता हूँ, नहीं रिप्लाई करता हूँ तो कमेंट बॉक्स में वीडियो जरूर देखा करिए, ठीक है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोज का लिंक दिया हूँ उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।